सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। तो यार आज हम फिर से आ चुके हैं एक नए हॉरर गेम में जिसका नाम है द फ्रेनेटिक हॉरर गेम। हाँ गाइस, ये बहुत ही ज्यादा हॉरर है एंड यार ये एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया है, तो थैंक यू सो मच यार ऐसे हॉरर गेम सजेस्ट करने के लिए। ऐसे गेम सजेस्ट करते रहो और मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूंगा। सबसे पहले तो ये देखो गाइस, यहाँ पर एक नंबर कोड डालना है इस गेट पर ताकि हम लोग यहाँ से एस्केप हो सके। और यहाँ पर ये रहा लैपटॉप, बट यार वो कोड मुझे यहीं से मिलेगा। अब ये लैपटॉप चालू करने के लिए मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि यार इस घर में बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तभी तो हमको टॉर्च से काम चलाना पड़ रहा है। बट कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर थोड़ा छानबीन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। और हाँ गाइस, इसमें जो विलन है वो काफी ज्यादा भयानक है यार, काफी ज्यादा। और उसके पास जो हथियार रहता है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। और ये देखो गाइस, वो गेट क्लोज था, उसमें लॉक लगा हुआ है। ये देख रहे हो, ये लॉक लगा हुआ है और बोल रहा है आई डोंट हैव अ की, मतलब मुझे एक की चाहिए। अब वो की कहाँ पर मिलेगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट कोई बात नहीं है, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा छानबीन करते हैं, तभी पता चलेगा हमको। और वेट, मैं आपको उसकी झलक दिखाता हूँ। वो देखो यार, काफी ज्यादा भयानक है और मेरी तरफ ही आ रहा है। एक तो यार इसका कंट्रोल भी इतना कुछ अच्छा नहीं है और यार कैरेक्टर की स्पीड भी काफी ज्यादा स्लो कर रखी है इसमें तो। और हाँ यार, एक बंदे ने टाइम टू वेकअप का डिमांड किया है, तो भाई मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। काफी ज्यादा बड़ा और लेंदी गेम है, मैं आपकी डिमांड जरूर पूरी करूंगा, बस थोड़ा सा सब्र रखो यार। और ये देखो गाइस, यहाँ पर एक सेफ है, तो इस सेफ को ओपन करते हैं और देखते हैं यहाँ से हमको क्या मिलता है। और देख रहे हो गाइस, एक चीज नोट कर रहे हो, ऊपर टाइमिंग भी चल रहा है, मतलब मेरे को कितना टाइम हुआ इस घर में आए वो सारा टाइमिंग भी चल रहा है। वाओ गाइस, हमको बोल्ट कटर या फिर कुछ कह सकते हो कि यार हथौड़ा विथौड़ा टाइप मिला है, मुझे नहीं पता कि क्या है, क्योंकि यार इसमें नाम भी नहीं लिखता है, पता नहीं कैसा गेम है, बट जो भी है अच्छा है। चलो यार फटाफट इसका यूज करते हैं। मैंने इस गेम को रिकॉर्ड करने से पहले थोड़ा एक बार प्रैक्टिस किया था, तो यार उस प्रैक्टिसिंग में मुझे इतना पता चला है कि इसका यूज कहाँ पर होगा। वो शिट, वो वहीं से आ रहा था। ओ भाई साहब, वो काफी ज्यादा भयानक है यार, मुझे सच में ऐसी देखकर ही डर लग रहा है। कोई नहीं यार, थोड़ा चुप चुप कर जाते हैं। वैसे इस रूम में है क्या कुछ? ओके, ये देखो गाइस, एक जनरेटर टाइप है। ओके गाइस, अब मैं समझा कि यहाँ पर अगर मैं जनरेटर ऑन कर दूं तो ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ऑन हो जाएगा, तो शायद फिर मैं लैपटॉप को भी ऑन कर सकता हूँ। चलो यार वो तो बाद में ही पता चलेगा। बट गाइस, जब मैं जनरेटर के टंकी के पास गया कि मतलब उसमें ऑयल है कि नहीं है, तो उसमें लिख क्या है, आई डोंट हैव अ कैनिस्टर। मतलब गाइस मुझे ऑयल का कुछ डब्बा विब्बा ढूंढना है ताकि उसमें मैं तेल भर सकूं एंड तेल भरने के बाद मैं जनरेटर में डाल सकूं। बट गाइस वो करने के लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। पहले तो ये देखो गाइस, ये बेसिन का नीचे का पाइप हम लोग इस बोल्ट कटर जो भी मिला था इससे तोड़ देते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा भारी है। तो इसके अंदर मुझे एक की मिला। वेट वेट गाइस, थोड़ा और देख लेते हैं, क्या पता और कुछ मिल जाए। ओके गाइस, वो देखो इस बाथरूम जैसा दिखने वाली चीज में, उसमें एक पेन ड्राइव था। मतलब यार वो पेन ड्राइव लेने भी हमको आना पड़ेगा बाद में, क्योंकि गाइस वही पेन ड्राइव मुझे लैपटॉप के अंदर डालना पड़ेगा एंड वहां से एक कोड चाहिए। वो सीट यार वो आ रहा था देखो। लेकिन गाइस मैं इससे अभी डर कर भाग रहा हूँ, बट मैं लास्ट में इसको मार के ही जाऊंगा, कुछ भी करके इसको मार के ही जाना है। और ये देखो गाइस, मैंने इस की का यूज किया इस लॉक को ओपन करने के लिए, तो यहाँ से मिला मुझे कैनिस्टर। बट गाइस वो कैनिस्टर मैं अभी नहीं उठाऊंगा, पहले तो कुछ और काम है, मैं फटाफट कर लेता हूँ। और हाँ गाइस, आप लोगों से मैं हर बार एक ही क्वेश्चन करता रहता हूँ कि भाई मैं किस पे लाइव करूँ, मतलब कौन से गेम का लाइव करूँ, आप लोग मेरे को बिल्कुल भी नहीं बताते। यार आप लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हो ताकि मैं उसी का लाइव नेक्स्ट डे कर सकूँ, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं मिलता है कि आप लोगों को कौन सा गेम पसंद है कौन सा नहीं पसंद है। मैं अभी कल आइसक्रीम 4 लाइव कर रहा था, बट कोई भी नहीं आया यार, सिर्फ 2 से 3 बंदे जैसे बाजीगर गेमिंग, फहीम एंड यही 2-3 बंदे जैसे ओपी प्लेस, बस और कोई नहीं आता यार। तो आप लोग यार सजेस्ट करो कौन सा गेम आप लोगों को अच्छा लगता है, कौन से टाइम पे मैं लाइव करूँ, तो आप लोग मेरे को ज्वाइन हो सकते हो, मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। और यार मैंने तो आप लोगों के लिए फ्री फायर भी खेलना स्टार्ट कर दिया है, फ्री फायर का लाइव स्टार्ट कर दिया है, बट यार आप लोग आते ही नहीं लाइव में, अब मैं क्या करूँ आप बताओ। तो चलो गाइज, ये देखो मेरे को एक ड्रॉअर मिला, इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ से एक और की मिला, तो चलो इसको उठा लेते हैं। इसका यूज कहाँ पर है कैसे वो बाद में देखते हैं। बट गाइज एक बात देख रहे हो, हमको 3 मिनट 50 सेकेंड्स ही हुए हैं, मतलब अप्रोक्स बता रहा हूँ, वैसे वो टाइम बढ़ता ही जा रहा है। अब देखते हैं हम कितने टाइम में यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। वेट, और गाइस क्या लगता है कि ये की कहाँ पर यूज होगा जो मेरे को अभी अभी मिला है, क्योंकि मुझे तो कोई आइडिया नहीं है ये की कहाँ पर यूज होगा। वेट, शायद यहीं कहीं होना चाहिए, नहीं नहीं यहाँ नहीं। वेट, ये तो जनरेटर है, ये जनरेटर वाले रूम में तो नहीं होगा, मुझे अच्छे से पता है। अब इसके बाजू वाले रूम में क्या है, यहाँ पर वो कैनिस्टर है जो मुझे चाहिए था, बट यार इस की का यूज कहाँ पर होगा, यहाँ पर कुछ है क्या, नहीं यहाँ पर भी नहीं है। वेट 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 वेट, यार सच में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जहाँ पर मैं ये की यूज कर सकूँ। ओके गाइज, ये देखो एक संदूक मिला और यहाँ पर मैंने ये की यूज किया और यहाँ से मुझे एक क्रोबार मिला। चलो यार फाइनली मैंने उस की का यूज कर ही लिया,
अब इस क्रोबार से एक वेंट को ओपन करना होता है। ये देखो जैसे कि मैंने ओपन कर लिया, अब यहाँ से इस कैनिस्टर को उठाते हैं, अब फटाफट इसमें ऑयल भर लेते हैं। और याद है गाइस, मैंने स्टार्टिंग में एक ड्रम दिखाया था ऑयल से भरा हुआ, मतलब जिसमें गैसोलीन लिखा हुआ था बीच में, तो वहां से मैं ऑयल भर रहा हूँ। ये देखो थोड़ा टाइम लगता है, फाइनली भर गया। अब जल्दी से जल्दी उसी जनरेटर के पास चलते हैं जहां पर मुझे ऑयल की जरूरत थी। उसमें लिखा था ना कि आई डोंट हैव अ कैनिस्टर, तो वही कैनिस्टर मैं लेकर जा रहा हूं, वो भी ऑयल के साथ, क्योंकि उसमें ऑयल फिलअप करना था। अब उसके बाद देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ऑन होने के बाद क्या होता है, क्योंकि गाइस उस लैपटॉप को ऑन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहां पर एक कोड मिलेगा मुझे, एंड उस कोड को उस दरवाजे पे लगाना है, अप्लाई करना है, एंड वहां से एस्केप कर जाना है। बट गाइस उससे पहले मुझे इसको मारना जरूर है, इससे थोड़ा रिवेंज लेते हैं। काफी ज्यादा पीछा किया इसने मेरा, और काफी ज्यादा स्लो भी, ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि काफी ज्यादा डरावना है, बट वो स्लो बहुत ज्यादा है। हमारे कैरेक्टर की स्पीड भी स्लो है, एंड उसकी स्पीड तो और भी ज्यादा स्लो है। ये देखो गाइस, मैंने फाइनली यहाँ पर ऑयल फिलअप कर लिया, और ये बटन है, इसको प्रेस करके इसको ऑन कर दिया। अब ऑन करने के बाद आई थिंक सो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑन हो जाना चाहिए। वैसे लाइट वाइट अब मत सोचना कि भाई इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो जाएगा तो लाइट वाइट भी ऑन हो जाएगा, क्योंकि यार मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। शायद इसने लाइट वाइट को ही डैमेज कर रखा हो, मुझे नहीं पता। ये देखो गाइस, देख रहे हो सब कैसे कैसे चीजें रखी है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर टेलीपोर्टेशन ये सब कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। डिवाइसेस मतलब फ्यूचर एडवांस डिवाइसेस कुछ दिख रहे हैं। ये देखो एक पेन ड्राइव है, अब इस पेन ड्राइव को लेकर चलते हैं, फटाफट उस लैपटॉप में इंसर्ट करते हैं। वेट, पहले तो मुझे वहां पर जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा लैपटॉप के पास, एंड उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। वेट, ये देखो ये रहा वेंट, तो यहां से थोड़ा शॉर्टकट मारते हैं। वैसे हम लोग घूम के भी जा सकते थे, बट शॉर्टकट मारना जरूरी है। वेट, यहां पर ये दरवाजा है, मैं कहां जा रहा था यार, अपोजिट साइड जा रहा था, यहीं कहीं तो लैपटॉप होता है शायद। ये देखो ये रहा, और ये ऑन हो चुका है, क्या बात है। और अभी हम लोग फिलहाल के लिए कुछ कमांड दे रहे हैं लैपटॉप में ताकि लैपटॉप ऑन हो जाए। अब देखते हैं ऑन होता है कि नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा यार, अगर नहीं करेंगे तो ये ऑन होगा ही नहीं। वाओ गाइस, ये ऑन हो चुका है। अब हम फाइल में गए और यहाँ पर कुछ मैप वगैरह दे रखा है, और ये एक पीरियोडिक टेबल है, क्या बात है। और ये तीसरे में तो बाप रे न्यूक्लियर अटैक का कुछ दे रखा है, ये चौथे में पता नहीं किस चीज का रिवॉल्यूशन। और ये देखो गाइस, ये रहा वो कोड 8867। चलो यार फटाफट अप्लाई करते हैं। 8867, यहाँ पर मैंने ये अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद ये गेट ओपन होता है, एंड यहाँ से एक संदूक है, और संदूक से मुझे एक गन मिला जो कि है स्पास। एंड स्पास तो आपको पता ही है यार कितना ज्यादा शॉर्ट गन है, और ये गन किसी को लग गया ना भाई, कसम से वो एक ही बार में चित हो जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड, इसकी फायर स्पीड काफी ज्यादा होती है। वैसे ये एक एक बार ही फायर होता है, क्योंकि ये शॉर्ट गन है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट गन है, बट है बहुत डेंजरस। ये देख रहे हो भाई, ये तो एक ही गन में गायब ही हो गया। क्या यार, मुझे तो ऐसा लगा था कि भाई इतना लंबा तगड़ा है तो कम से कम 3-4 गोली मारनी पड़ेगी। और ये देखो गाइस, ऊपर एक क्यूब टाइप दिख रहा है कुछ, अब वो मुझे नहीं पता कि वो क्या है, पर हाँ अगर उसको नीचे गिरा दिया मैंने तो उससे मैं टेलीपोर्ट हो सकता हूँ, मतलब इस घर से सीधा मैं कहीं और जा सकता हूँ। और ये घर काफी ज्यादा डरावना है यार, तो यहाँ से मुझे निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बट ये क्यूब की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और ये गन से ही उतारा जा सकता है। तो चलो यार फाइनली ये क्यूब नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद यहाँ पर एक बटन होता है, इसको प्रेस कर देते हैं। वेट, पहले तो इसको कहीं रखने का जगह ढूंढते हैं, शायद रखेंगे तो अपने आप ऑन हो जाएगा, क्या पता। नहीं, बटन को प्रेस करना पड़ेगा। और क्या बात है गाइस, बटन को प्रेस करते ही एक पोर्टल ओपन हो गया। ओ गाइस, तो हम लोग यहाँ से एस्केप हो गए यार। थैंक यू सो मच ऐसे ऐसे गेम को सजेस्ट करने के लिए। तो यार बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।